ईद उल फितर के दूसरे रोज मौसम ने अंगड़ाई ली तो लाहौरियों का जम्मे गफीर पार्कों की तरफ उमड़ आया। रेसकोर्स पार्क में मेले का सा समा था। बच्चे झूले लेते और अटकेलियां करते नजर आए। उनकी खुशी उनके चेहरों से अयां थी। बच्चों का कहना था कि एंजॉय करने का कोई भी मौका मिले तो वो अपने हम उम्रों के साथ पार्कों में आकर खूब मौज मस्ती करते हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत एंजॉय किया, यहाँ पे झूले लिए हैं और कश्ती में बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी खाए हैं, बहुत मज़ा आया। इन्जॉय करने आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं इन्जॉय करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ पे ईद मनाने आए हैं, अब मौसम भी बहुत खुशगवार है। फैमिली के साथ आउटिंग पर आई हुई और मैं यहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट कर रही हूँ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी ईद के दूसरे रोज खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद अपने अहले खाना के हमरा पिकनिक मनाते दिखाई दी। रेसकोर्स पार्क में रश देखकर यूं लग रहा था गोया पूरा शहर ही इधर उमड़ आया हो। शहरियों का कहना था कि मौसम खुशगवार हो तो सब्जा तबीयत पर खुशगवार असरात मुरतब करता है, इसीलिए वो पार्कों का रुख करते हैं। बहुत मजा आया फैमिली के साथ बैठ के और ईद मनाने का। बहुत अच्छा फील किया जी, अपनी फैमिली के साथ हम निकले हैं, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत लुत्फ लिया। इंजॉयमेंट भी है यहाँ पर और पुरसकून जगह है यहाँ पर। वैसे हम सारी फैमिली है, सब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी काफी इंजॉय कर रहे हैं और मौसम कुछ बेहतर हो गया। ईद पे जब आए हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, इसके अलावा अगर दिनों में आया जाए तो यहाँ पे कोई रश नहीं होता है और देखने से पता चला कि लोग जो ईद है कितनी इंजॉय करते हैं। रेसकोर्स पार्क में मनचले भी हल्ला गुल्ला करते रहे। शायकीन का कहना था कि ईद खुशियों का त्यौहार है, इसे अपनों के साथ मिलकर भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। ईद का मौका हो या खुशियों का कोई भी त्यौहार, अहलियाने लाहौर का कहना है कि वो इसी तरह पार्कों में आते हैं और अपनी खुशियों को दुबाला करते हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42, रेसकोर्स पार्क।